स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो आजकल सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर से या एप स्टोर से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशंस आपके स्मार्टफोन पे मौजूद जितने भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा है उसे सिंपली आसानी से चुरा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। बेसिकली ये एप्लीकेशन आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा को कैसे चुराते हैं या फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं, वेल ये सभी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मैं हूं अंकित सिंह और हमेशा की तरह एएस टेक एंड टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। हर रोज लगभग हजारों एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं गूगल प्ले स्टोर से या एप स्टोर से, लेकिन ऐसे में हम सभी स्मार्टफोन यूजर्स वो जो भी परमिशन एप्लीकेशन मांगते हैं उसे हम सिर्फ ओके अलाउ पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। हमारी इस छोटी सी गलती के कारण ये एप्लीकेशंस हमारे स्मार्टफोन पे मौजूद जितने भी हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन या डाटा है उसे आसानी से चुरा लेते हैं और इससे हमें पता भी नहीं चलता। हमारे स्मार्टफोन में मौजूद जितने भी SMS है या फिर कॉल डिटेल, इसके अलावा हम अभी किस जगह पर है उसकी लोकेशन, या फिर हम अभी अपने स्मार्टफोन पर क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन, बेसिकली हमारी यही इन्फॉर्मेशन को किसी अदर कंपनी द्वारा एडवर्टाइजिंग के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए या फिर किसी अन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि ये एप्लीकेशंस हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसे प्रैक्टिकल करके लाइव एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके पर्सनल डाटा को चुरा पाते हैं। सिंपली गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मैं एक एप्स का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैंने कैंडी कैमरा को डाउनलोड कर लिया और इसे मैं सिंपली ओपन करता हूँ। ओपन करते ही देख सकते हो आप एग्री स्टार्ट मांग रहा है, इसका मतलब एग्री मांग रहा है इस टर्म्स एंड यूज जितना भी मेरे स्मार्टफोन पर मौजूद डाटा है उसकी एग्री मांग रहा है। यही नहीं, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये बोल रहा है अलाउ कैंडी कैमरा टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोज, मतलब कि हमारा जो वीडियो है रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अलाउ मांग रहा है वो कैंडी कैमरा जो है एक्सेस करने के लिए। यही नहीं, देखिए एक्सेस फोटो एंड मीडिया फाइल ऑन योर डिवाइस, हमारे डिवाइस पर जितने भी फोटोज एंड मीडिया फाइल्स है उसकी अलाउ एक्सेस मांग रहा है और इसे हम सिंपली अलाउ पे क्लिक कर देते हैं जिससे हमारा डाटा चोरी हो जाती है। तो ये एप्लीकेशंस हमारे किस किस तरह के डाटा को चुरा सकती है ये जानने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं लाइकी लाइट ऐप्स की। तो अगर आप इस ऐप्स के परमिशंस की ओर देखोगे तो पाओगे या आप देख सकते हो कि इसमें मेरे कैमरे का, लोकेशंस का, माइक्रोफोन का, टेलीफोन का सारा उसका परमिशन ग्रांटेड किया हुआ था और मुझे पता भी नहीं था। तो ऐसे में आप देख सकते हो कैमरे का जो जितना भी मैं वीडियोस या फोटोज शूट करता हूँ वो सारा इन्फॉर्मेशन लाइकी लाइट के पास मौजूद है, कहाँ मैं बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उसकी लोकेशन उसके पास मौजूद है, माइक्रोफोन के द्वारा वो मेरी बातें भी सुन सकता है इसलिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। टेलीफोन मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सारा वो उसके पास मौजूद है डाटा। कैमरे को सिंपली आप ऑफ कर ले, जितनी भी आप लोकेशंस आप दे रहे हो वो परमिशन ना दे, बिना सोचे समझे किसी को परमिशन ग्रांट ना करे, किसी भी चाहे वो कोई भी ऐप हो। जैसा कि आपने जान लिया कि किस तरह आप अपने ऐप्स की परमिशंस को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ऐसे में कई लोग क्रोम से या ब्राउजर से थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि भीड़मेट या गेम्स वाली कई सारी एप्लीकेशन, जैसे कि पैसा कमाने वाला गेम्स और भी भीड़मेट हो गया या वीडियो डाउनलोडर, प्ले इट, अन्य सारे ऐप्स बहुत सारे मौजूद है जो कि कई लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती, इसे तो बिल्कुल भी परमिशन मत दीजिए क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकते हैं हमारे स्मार्टफोन के लिए। तो ऐसे में आप जब भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो सतर्क हो जाओ उसे परमिशन देने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एएस टेक एंड टिप्स, तब तक के लिए गुड बाय।